हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटर्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और अब चल रहा है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में भी हमने एक पार्ट में हमने लॉजिक कौन कौन से बिटवाइज की डेफिनेशन देखी थी कि कैसे बिटवाइज ऑपरेटर हमारे परफॉर्म करते हैं। उसमें भी हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। चलते हैं आज उसका होल वीडियो बनाते हैं कि सारे ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं बिटवाइज, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं। पहली बात जो ये नंबर वन तो बिट्स पे परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमें जो भी ऑपरेशंस करना है पहले हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा एंड देन आपको कन्वर्जन करने के बाद यानी कि कोई भी नंबर होगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म। तो ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन बिट्स। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू 5 ले रखी है एंड बी की वैल्यू 2 ले रखी है और मुझे बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है सी इज इक्वल टू ए एंड बी। ए और एंड बी हमें परफॉर्म करना है। तो अगर हम ये परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंड की टेबल क्या कहती है। आप सभी ने एंड की टेबल देख भी रखी होगी। अगर मैं एंड की टेबल बनाता हूं तो लॉजिकल एंड, जैसे हमारी सिंपल लॉजिकल एंड की टेबल थी वैसे ही हमारी ये टेबल होगी ए बी और ए एंड बी। दैट्स द रिजल्ट। अगर आप देखें दैट्स द टेबल, दैट्स द जीरोस 0 0 1। जब तक दोनों ऑपरेशन आपके ए और बी की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक आपका ऑपरेशन आपके रिजल्ट आपका 1 नहीं आएगा। तो चलते जैसे देखते हैं सी इज इक्वल टू ए एंड बी लिखा है। तो सबसे पहले ए एंड बी को हमने ए को बाइनरी में 1 कन्वर्ट करा। आप 8421 कोड यूज करिए बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। 5 को बनाते हैं 4 और 1, दैट्स द बाइनरी। तो ये हो गया 101। 5 को अगर हमें लिखना है तो 101 इज द बाइनरी नंबर। 101 मैंने यहां लिख दिया एंड 2 का बाइनरी हो जाता है 10। देखिएगा 2 का बाइनरी आपका क्या हो जाता है 10। हमने ये कन्वर्जन कर दिया देन अब आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। 10 का क्या होता है, 01 का क्या होता है, 10 का क्या होता है। देखिएगा टेबल आपको दिखाई थी 000 होता है 01, अब यहां पे मिला है 10 10। क्या मिलेगा 0 01, क्या मिलेगा 0 एंड 10 अगेन क्या मिलेगा 0। तो द रिजल्ट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, दैट्स द फाइनल आंसर। सी का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एंड ऑपरेशंस। ये हमने पहले परफॉर्म कर लिया है। चलिए हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल और की आपको टेबल सभी को पता होगी, और ऑपरेशन अगर आपको चेंज करना है तो कैसे हम चेंज कर पाएंगे इसकी एक टेबल देख लेते हैं। टेबल आपको आनी चाहिए सभी की। और ऑपरेशन 00 अगर आप देखें 00 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, दैट्स द और ऑपरेशन, दैट्स द और ऑपरेशन। ये आप बिटवाइज भी ले सकते हैं और लॉजिकल जो टेबल्स बनती हैं वो सिमिलर रहती हैं रिजल्ट्स लाने में। मैं इसी में ही और ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। मान लीजिए सी इज इक्वल टू ए एंड ए, मान लीजिए ये सी इज इक्वल टू ए एंड बी। अब ये और ऑपरेशन है, देखिएगा बिटवाइज और है, आपको देखिएगा सिंगल लगा है, दैट्स द बिटवाइज और। अब बिटवाइज और कैसे परफॉर्म करता है तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिट में कन्वर्ट करना है नंबर। हमने यहां पे लिख लिया ए को हमने लिखा था 101 एंड बी को आपने लिखा है 10, एक 0 हमने ऐड कर लिया। अगेन हमने दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करा, इसे भी बाइनरी में कन्वर्ट करा, इसे भी बाइनरी में कन्वर्ट करा। अगेन हम टेबल की फॉर्म में देखते हैं और ऑपरेशन। इसमें कहते हैं किसी भी बिट में अगर 1 है तो आपका रिजल्ट 1 आता है। तो देखिएगा 1 1 एंड 1, दैट इज बाइनरी में 1 की वैल्यू क्या हो जाती है। देखिएगा अब ये 111 है तो 111 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द 7 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका रिजल्ट दे रहा है 7। तो आपको अगर बिटवाइज एंड लगाना है तो देखिएगा टेबल आपको याद होनी चाहिए, यानी हमें कहीं पे भी अगर बिटवाइज ऑपरेटर मिलने हैं तो सबसे पहले उन्हें बिट्स में कन्वर्ट करिए एंड देन उसका यूज कर लीजिए। और बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद टेबुलर फॉर्म को देखिए और रिजल्ट आपका आंसर आपके सामने होगा। और कन्वर्ट करके बाइनरी को अगेन कन्वर्ट करके आपको डेसिमल में लाना होगा, जिससे आपको डेसिमल में फाइंड आउट आंसर मिल सके।